भगवान श्री रमण महर्षि के साथ बिताए पल डॉक्टर सुब्रमण्यम के। डॉक्टर के सुब्रमण्यम की नैसर्गिक प्रेम भक्ति की निस्वार्थपरता तथा अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश से सैकड़ों भक्त भगवान के दिव्य सानिध्य में आए। 1979 में उन्होंने हैदराबाद के रमण केंद्रन में स्थापना की। डॉक्टर सुब्रमण्यम अपने शब्दों में भगवान के प्रति आकर्षण का वर्णन करते हैं। मेरे पिता एक कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापक थे। यह स्कूल बच्चों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी परीक्षा की तैयारी कराता था। हर वर्ष जयंती के अवसर पर वह कोडैकनाल से तिरुवण्णामलाई आते थे। जयंती समारोह के लिए वे वहाँ से अंग्रेजी सब्जियाँ आश्रम में लाते थे। तब मैं 2 वर्ष का था जब भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। मेरे चाचा जो तिरुवण्णामलाई से 20 मील दूर एक गांव में रहते थे, भगवान एवं नायना गणपति मुनि के परम भक्त थे। मेरे तथा चाचा दोनों ही घरों में पूजा स्थली पर भगवान की फोटो थी। दोनों ही स्थानों पर भगवान एवं उनके उपदेशों की चर्चा होती थी। बचपन से ही मैं भगवान के ऊर्जामय वातावरण में रहा। आश्रम के विश्वनाथ स्वामी हमारे घर पर कई बार आए और कई दिनों तक रहे। स्वामी अधिकांश समय भगवान एवं नायना की महानता के बारे में बताते थे। अपने चाचा पिता तथा स्वामी से यह बात सुनकर कि भगवान भक्तों के पत्र स्वयं पढ़ते हैं, मैंने भी उन्हें बच्चे के रूप में कभी कभी पत्र लिखा तथा आशीष की प्रार्थना की। 1941 में चाचा जी के साथ मैं रमण आश्रम गया। मैं और चाचा जी फल का भेंट अर्पित करके भक्त भगवान के सामने बैठ गए। जब मैं भगवान की ओर देख रहा था तो उन्होंने मेरे चाचा से पूछा कि यह कौन है। मेरे चाचा ने कहा, मेरे भाई का लड़का है, यह 3री कक्षा में पढ़ता है। मेरी ओर मुड़ते हुए भगवान ने कहा, तो वह व्यक्ति तुम हो जो मुझे पत्र लिखता है। मुझे विचित्र किंतु सुखद आनंद की अनुभूति हुई। मैंने धीमे स्वर में कहा, हाँ। भगवान ने कहा, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे पास पत्र लिखने के लिए पैसे भेजते हैं? और हंसने लगे। मैं प्रसन्नचित होकर उनकी ओर देखता रहा। बाहर आने पर मेरे चाचा ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुमसे बातचीत की। सामान्यतः वे किसी से कुछ नहीं पूछते। इस प्रकार मुझे भगवान के पास आने से के अनेक अवसर मिले, किंतु मैंने उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैं उनकी उपस्थिति में दूसरों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सुनता था, किंतु मुझे कभी प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं हुई। 18 वर्ष की अवस्था में मैं विद्यार्थी था, रमण आश्रम गया। एक दिन आश्रम के ध्यान कक्ष की ओर कुछ सोचते हुए जा रहा था। मेरा सिर आगे की ओर झुका हुआ था। जब मैं कुएं के पास पहुंचकर ऊपर देखा तो पाया भगवान कुछ ही दूरी पर खड़े होकर किसी भक्त से बात कर रहे थे। भगवान के वहां होने की मैंने उपेक्षा नहीं की थी। भगवान ने मेरी ओर देखा। मैं स्थिर खड़ा हो गया क्योंकि मैं भगवान को किसी प्रकार से परेशान करना नहीं चाहता था। भगवान ने जब मुझे उस तरह देखा तो उन्हें अनुभव हुआ कि एक शक्तिशाली प्रकाश मेरे भीतर उतरता चला गया तथा मैं उसमें लीन हो गया। मैंने भीतर आनंद का अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस अवस्था में मैं लगभग 20 दिन तक रहा। पुस्तकों में भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा गुरु द्वारा उनके दिए गए उत्तरों का विस्तार वर्णन है, किंतु भगवान ने जिस विधि से और तरीके से उनका उत्तर दिया, उनको पुस्तकों में लिपिबद्ध नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर एक भक्त जो बहुत दूर से आया, उसने भगवान से पूछा, मैं मन के नियंत्रण का अभ्यास कर रहा हूँ किंतु मुझे सफलता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, क्या मैं मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लूँगा? भगवान चुप रहे। कुछ समय बाद वह बोला, शास्त्र कहते हैं कि बिना मन का नियंत्रण के कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। मैं अपने प्रयत्नों के प्रति बहुत ईमानदार हूँ, क्या मुझे कोई आशा रखनी चाहिए? भगवान पुनः मौन रहे। उसने अपने प्रश्न को दोहराया और कहा कि वास्तव में चिंतित है कि उसकी प्रगति नहीं हो रही।
तथा वह चाहता है कि भगवान अपने विशेष उत्तर से उसे आशीर्वाद दें। भगवान अविचलित रहे। लगभग 1.5 घंटे बाद भगवान उठे। द्वार की सीढ़ियां पार करते समय वह प्रश्नकर्ता की ओर मुड़े और कहा, धीरे धीरे आपको मालूम होगा समय की इस अवधि में प्रश्नकर्ता के मन में क्या हुआ। इसका उल्लेख किसी भी पुस्तक में नहीं किया गया। प्रश्नकर्ता की परिपक्वता प्राप्त करने के प्रयत्न में भगवान ने क्या किया। यह एक सदा राज है जो केवल भक्त एवं गुरु जानते हैं। भगवान के अंतिम महान शब्द न केवल प्रोत्साहित करने वाले हैं बल्कि प्रश्नकर्ता के लिए वह एक वास्तविक वरदान है। हरि ओम तत्सत।